वेलकम स्टूडेंट्स टू अभ्यास प्रश्न पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न। प्रश्न एक, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ए 293 केल्विन, बी 470 केल्विन। क्वेश्चन फर्स्ट, ए 293 केल्विन, इसको हमको सेल्सियस में चेंज करना है। दिया है 293 केल्विन। फार्मूला टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन ताप होता है। 293 इक्वल टी सी प्लस 273, पक्षांतर करने पर टी सी इज इक्वल टू 293 माइनस 273 केल्विन, आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन वन बी, दिया है 470 के। फॉर्मूला टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन ताप होता है। 470 के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273, पक्षांतर करने पर टी सी इज इक्वल टू 470 के माइनस 273 के, आंसर टी सी इज इक्वल टू 197 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न क्रमांक दो, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 373 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन सेकंड, ए तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। 25 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273 केल्विन। वैल्यूज रखने पर टी के इज इक्वल टू 25 प्लस 273, आंसर टी के इज इक्वल टू 298 केल्विन। क्वेश्चन टू बी, दिया है 373 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273 केल्विन। फार्मूले में वैल्यू रखने पर टी के इज इक्वल टू 373 प्लस 273, आंसर टी के इज इक्वल टू 646 केल्विन। प्रश्न क्रमांक तीन, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। ए नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। बी हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। उत्तर ए, नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना अर्थात द्रव पदार्थ में परिवर्तित हुए बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। बी इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प या वेपर में चेंज हो जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाती है। प्रश्न क्रमांक चार, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। जल, चीनी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है क्योंकि ये गैस है। जल के कणों के मध्य ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक आकर्षण बल होगा क्योंकि ये द्रव अवस्था में है।
और चीनी के कणों के बीच सर्वाधिक आकर्षण बल होगा क्योंकि यह ठोस अवस्था में है। कारण ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ए 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। बी 0 डिग्री सेल्सियस, इस ताप पर जल ठोस अर्थात बर्फ अवस्था में तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है क्योंकि जल का हिमांक तथा जल का गलनांक दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीय अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव हो सकते हैं क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल वाष्प में परिवर्तित होता है। प्रश्न क्रमांक 6, पुष्टि हेतु कारण दें। ए जल कमरे के ताप पर द्रव है। बी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। उत्तर ए जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। बी लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है अर्थात बहता नहीं है क्योंकि लोह धातु जो है वो एक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव क्यों अधिक होता है? उत्तर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप किसी पदार्थ के माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेता है जो पहले इसी की प्रावस्था में परिवर्तन लाता है फिर इसके ताप में वृद्धि करता है परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34×10^5 जूल है अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम। बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34×10^5 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए बर्फ अधिकतम शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उत्तर भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि भाप के कणों के ने वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। उत्तर ए संगलन, बी वाष्पीकरण, सी संघनन, डी जमाना, ई ऊर्ध्वपातन, एफ ऊर्ध्वपातन के स्टेप। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं
और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।